नमस्कार दोस्तों, तो एक खुशखबरी है दोस्तों आप लोगों के लिए कि निफ्टी ने अपना लॉट साइज जो है वो चेंज कर लिया है। निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों वो लॉट साइज चेंज कर लिया है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम मार्जिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। एक तरह से ये उन्होंने NSE ने इंसेंटिव दिया है दोस्तों। अब फ्यूचर्स में काफ़ी चेंजेस किए गए थे दोस्तों, जैसे कि आपने हाल ही में पढ़ा होगा, देखा होगा यूट्यूब में, तो फ्यूचर में काफ़ी चेंजेस हो गए थे। उस वजह से दोस्तों फ्यूचर में ट्रेडिंग थोड़ी कम हो गई है, बट उन्होंने ऑप्शन के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं लिबर्टी दी है थोड़ा, है ना, उन्होंने लॉट साइज़ वगैरह कम किया है। तो क्या है दोस्तों पूरी खबर, कि कितना लॉट साइज़ किया है वो पूरा डिटेल जानने के लिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रही है। लेकिन एक रिक्वेस्ट रहेंगे दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है दोस्तों उसको ये मालूम होगा, ये उन्होंने ये देखा होगा दोस्तों, इसको ऑप्शन चेन बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो इस तरह से यहाँ लॉट साइज़ वगैरह देख के लोग बिड करते हैं, बिडिंग प्राइस वगैरह रहती है दोस्तों, है ना, सब कुछ दिया हुआ था वो देख के बाय और ये जो भी ये ऑप्शन करते हैं अपन सेल या बाय दोनों भी करते हैं दोस्तों। तो ये लॉट साइज़ है दोस्तों, ये जैसे कि दिख रही है दोस्तों आप लोगों को अभी भी ये 75 है। तो इनके जो चेंजेस है दोस्तों, ये लॉट साइज़ अभी इन्होंने NSE ने जो है निफ्टी की जो है ये जो ऑप्शन चेन की जो लॉट साइज़ है वो 50 कर दिए दोस्तों। तो 50 यानी कि आप जो पहले 75 साइज़ का जो लॉट था उसके लिए जो पैसे देते थे तो उसमें आपकी काफ़ी बचत होगी, क्योंकि अभी आपको सिर्फ 50 जो लॉट है, 50 यूनिट्स है उसी के पैसे देने पड़ेंगे। तो आपके पैसे बचेंगे तो डेफिनेटली अल्टीमेटली दोस्तों जो पैसे बचेंगे तो आप अल्टीमेटली वापस से ही मार्केट में डालोगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहोगे। तो एक तरह से दोस्तों NSE ने आपके बारे में सोचा है दोस्तों। फ्यूचर में नो डाउट थोड़े रूल्स रिस्ट्रिक्ट करे, बट ऑप्शन के लिए उन्होंने ये लिबर्टी दी है। और इसके साथ साथ दोस्तों इन्होंने ने और भी शेयरों का जो है ना लॉट साइज़ चेंज किया, टोटल करीब करीब 40 शेयरों के जो है लॉट साइज़ में चेंजेस लाए हैं और बाकी के सेम रहने दिए। तो दोस्तों वो कौन से 40 शेयर है वो भी आगे जान लेते हैं। तो दोस्तों वो ये रही 40 शेयरों की लिस्ट दोस्तों, जिसमें इन्होंने लॉट साइज चेंज किया, जैसे कि आप शेयर देख रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, श्री सीमेंट, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा टेक, महिंद्रा, टाइटन ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, विप्रो, अदानी, इस तरह से ऐसे 40 टोटल शेयर है दोस्तों। आप थोड़ा है ना पॉज करके देख लीजिए, मैं पूरे अगर सबके नाम लेते बैठे तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बजाज फिनसर्व का जो 125 का पहले लॉट था उसको भी 75 कर दिया है, और ये जो कोफॉर्ज का जो है वो 375 का था उसको भी करीब करीब 200 के आसपास कर दिया है। तो इनके भी लॉट साइज़ कम हो गया है दोस्तों। तो इससे ना अब बजाज फाइनेंस जो कि काफ़ी मोमेंटम रहता है, तो उसमें भी आप अच्छा खासा पैसा डाल के मतलब मार्जिन आपको आपका कम जाएगा दोस्तों। तो उसके वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी दोस्तों आप लोगों के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, कि NSE ने नो डाउट फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए है, बट ऑप्शन में उन्होंने लिबर्टी दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। तो एक तरह से ये इंसेंटिव ही मान के चल सकते हैं दोस्तों आप सब आम लोगों के लिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि इस पर ज़्यादा ट्रेडिंग है ना, ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी, तो डेफिनेटली है ना इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा सेल होगे तो मोमेंटम वगैरह भी आएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वगैरह कमा सकते हो दोस्तों। तो ये थी दोस्तों। और इसके साथ साथ जो 114 जो शेयर है जिसमें अभी तक कुछ चेंजेस नहीं लाया है, वो है ACC, अमरा राजा बैटरी, एशियन पेंट, अरबिंदो फार्मा, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बंधन बैंक, बाटा इंडिया, भारतीय एयरटेल, इन सब 114 शेयर है दोस्तों। आप पॉज करके देख लेना, इसमें कुछ भी चेंजेस करे नहीं है अभी तक, जो है वो एज इट इज रखा गया है दोस्तों। तो इसे डेफिनेटली ये अच्छी खबर मान सकते हैं। जो फ्यूचर में नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली वो दोस्तों ऑप्शन में जाके है ना, ऑप्शन में अच्छी खासा पोजिशन लगा सकते हैं और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंपॉर्टेंट खबर आप लोगों के लिए NSE की न्यू अपडेट के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों और इंपॉर्टेंट मैसेज, यदि आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों आप वीडियो तो देखते जाओगे मेरे या दूसरे सभी के, बट आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है दोस्तों तो शेयर में कैसे निवेश कर पाओगे, है ना। तो शेयर में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है, और ये जो जीरोधा है ये नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है दोस्तों। इसका काफ़ी डिस्काउंट चार्जेस है दोस्तों, जैसे कि 20 रुपीज़ पर ट्रेड पर आप इसमें है ना शेयर खरीद बेच सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्ड करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तो वो फ्री है दोस्तों। और इसके जो प्लेटफॉर्म पर आप सब कुछ कर सकते हो, शेयर क्या बोलते हैं FNO भी, नॉर्मल डिलीवरी लेके शेयर भी खरीद सकते हो, उसके अलावा दोस्तों यहाँ आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म से। तो ऑल ऑन ऑल बढ़िया कंपनी है जीरोधा दोस्तों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप बस क्लिक करके आपका डिटेल भर दीजिए, नाम, फोन नंबर वगैरह, कंपनी का बंदा आपको खुद ही कॉल कॉन्टैक्ट कर लेगा और फर्दर डिटेल फुलफिल कर लेगा। तो ये एक है जीरोधा दोस्तों। जीरोधा के अलावा मैंने एक और कंपनी डाल के रखा हुआ है, ICICI, वो भी भारत की जानी मानी कंपनी है, उनका भी डीमैट का काम है दोस्तों, तो आप वो भी देख सकते हैं। दोनों लिंक है दोस्तों, एक जीरोधा और ICICI डायरेक्ट।
वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कुछ क्यूरी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूँगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेंगे जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपकी काम की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।